मुझे इस लड़की का साथ देना है तो आज से, बल्कि अभी से, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। शहर के बाहर शरत वहीं दूर। तुमको छुपा रही हो नाम से? आज हम वो करके ही रहेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। चांदनी, तुम यहाँ पर हो तो तुमको क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, वो कुछ नहीं, बस वो मैसेजेस चेक करने आए थे यहाँ पे। मैसेजेस? अच्छा, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हें कौन मैसेजेस करने वाला? नहीं, वो कुछ नहीं, बस। अरे मजाक कर रहे, चले। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे का मतलब कपल्स का सिर्फ डांस करना नहीं होता है, कपल का इम्तिहान अब बाकी है दोस्तों, और अगले दो राउंड सिर्फ बॉयज के लिए हैं। क्या क्या कर रहे हो? एक दूसरे के लिए कंपटीशन याद है? वो कंपटीशन तुम जीतना चाहते थे ना, और हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन उस वक्त ना हमारा दिल साफ नहीं था, लेकिन आज हमारा दिल ना, इसीलिए आज हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, और जब हम जीतेंगे ना, उसे तुम वैलेंटाइन डे का तोहफा समझना हमारी तरफ से। तो पहली कंपटीशन है आर्म रेसलिंग, हमारे उत्तर प्रदेश में वैसे भी मशहूर है पंजेबाजी, तो आइए मैदान में। इस राउंड के विजेता हैं अर्जुन शर्मा, तालियां। हम वॉशरूम होके आते हैं अर्जुन। हाँ। अब देखते हैं अपने वैलेंटाइन के लिए सबसे ज्यादा वोट का शॉट्स कौन पी सकता है। हे भगवान, अर्जुन ने तो आज तक कभी शराब नहीं पी, उसे इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। अर्जुन, अर्जुन नहीं। कमाल कर दिया अर्जुन शर्मा ने, क्योंकि दोनों राउंड अर्जुन शर्मा ने ही जीते हैं। अब तीसरा राउंड, जिसमें हर लड़के को अपने वैलेंटाइन के लिए कुछ कहना है, लेकिन शायद अब थर्ड राउंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों राउंड के विनर अर्जुन शर्मा हैं। एक मिनट, एक मिनट।
हम अब भी विजेता नहीं है, हम विजेता तब होंगे जब हमारी वैलेंटाइन यानी कि हमारी वाइफ चांदनी हमें आप सबके सामने इस कॉम्पिटिशन का विजेता साबित करेगी। हम आप सबको एक बात बताना चाहेंगे, ठीक एक साल पहले हम दोनों को किस्मत ने एक अनचाहे रिश्ते में बांध दिया था। तब है ना हमें हमारी चांदनी पर ना तब बहुत गुस्सा था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन आज ठीक एक साल बाद इसी दिन इस वक्त जैसे जैसे चांदनी को जानने लगे ना उसे वैसे वैसे उतना ही पसंद करने लगे। तुम्हें याद है एक समय ऐसा था जब हम है ना तुम पर इतना इतना सा भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आज आज हम तुम पर है ना आपसे भी ज्यादा भरोसा करते। अरे तुम्हें पता है अगर तुम हमारे खिलाफ भी होती हो ना तब भी हम तुम्हें उतना ही चाहते हैं। ये हमें पता है ना कि अगर तुम हमारे खिलाफ जा भी रही हो तो उसमें भी हमारा ही भला है। तुम्हारे सामने हम क्या हस्ती है हाँ, तुम ठहरी महलों में रहने वाली और हम सीधे साधे मिडिल क्लास अर्जुन शर्मा। तुम्हारे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक ही दौलत है और वो है मोहब्बत की दौलत। हम ना आज तुमसे वादा करते हैं हम ना दुनिया की तुम्हें हर खुशी देंगे, हर वो चीज संभल के पर ये अर्जुन तो सो गया है, जोश में आके उसने बहुत ज्यादा पी लिया। हम देखते हैं, हम कुछ करते हैं। अपनी बेटी तो हम पहले ही खो चुके हैं और अब बेटा भी। मैं बेटे को कोई ऐसे मारा कहाँ रहा अब वो तो अब चांदनी का हो गया है, साहिब जी की बेटी का। तुमने देखा नहीं था घर छोड़ते वक्त उसके उसके पांव नहीं उठ रहे थे, तुमने उसे मजबूर किया, वो तो जाना ही नहीं चाहता था। मनु से फोन करके वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैं तो कहता हूँ कि मनु से कहकर पता करवाते हैं, वो जहां पर भी होगा हम लोग जाकर उसको ले आएंगे। अरे अंकल जी हम वो पता लगा नहीं अंकल जी, कल रात जो बात हुई थी बस उसके बाद कोई नहीं बात हुई हमारे अर्जुन से। कल रात दोनों किसी रिसोर्ट में रुके थे, अब कहाँ पे रिसोर्ट है कौन सा रिसोर्ट है वो हम नहीं जानते, जैसे मालूम चलता आपको बताते हैं आके। बताइए
इतना कुछ हो गया और वो लड़की उसे कहाँ लेकर गई? रिजॉर्ट में. और वो चला भी गया. वो अब हमारा बेटा नहीं रहा. ये आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा होगा. जी जी कहिए, कमरा तो अभी कोई खाली नहीं है. बचा, कमरा किसको चाहिए? हम तो किसी से मिलने आए. पुलिस आ गई है. हमारा काम अभी नहीं हो सकता, हम कमरे में जा रहे हैं. आज अर्जुन ने जो भी किया पार्टी में उसकी वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया है, वरना आज ही सब कुछ हो जाता. वैसे हम कमरे में आ गए, कल फोन करते. घंटी तो बज रही है लेकिन उठा नहीं रहा है. अंकल जी, हमने भी कितनी बार फोन ट्राई किया, कल रात भी सुबह भी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं. हमें तो बहुत फिक्र हो रही है. आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा. अर्जुन उठ जाओ, सुबह हो गई है. अब तुम ठीक हो? ये लो अदरक वाली चाय, हमने बनाई है रिजॉर्ट के किचन में. तुमने बनाई है? सॉरी, कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी हमने, कुछ पता ही नहीं चला कि कब क्या हो रहा था. वो सब छोड़ो, जो होना था सो हो गया. अब तुम ये चाय पी लो और जल्दी से तैयार हो जाओ. क्यों, हम आज ही वापस जा रहे हैं क्या? तुम तैयार हो जाओ फिर बताते हैं. एक बहुत अच्छी जगह है, वहां ले जाना है तुम्हें. इसका मतलब एक और सरप्राइज. ठीक है. क्या जगह है ये? कानपुर के आसपास इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है, ऐसा है ना किसी ने सोचा भी नहीं होगा. बहुत अच्छा सरप्राइज है. फोटो खींचे यहाँ पे. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम.
कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में मर जाऊँगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा यहाँ पे भी एक फोटो लें क्या एक सेल्फी तो बनती है चांदनी ये क्या मजाक है चांदनी क्या मजाक है क्या कर रही हो इधर आओ मजाक कर रही हो ना you
मैं फिर